हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में जो हमारा लास्ट टॉपिक था, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, उसका कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चंस आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं, उसका मतलब क्या होता है, सब कुछ हमने लास्ट क्लास में किया था। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की थी। सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जिनके एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने अपना बेस बिल्ड किया था, कॉन्सेप्ट को समझा था, एंड आई होप आपने लास्ट क्लास देखी होगी, सो दैट आपको पता हो कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट में आपको करना क्या होता है। आज की क्लास में TS ग्रेवल के, DK के, NCERT के जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आज हम वो करने वाले हैं। तो फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जरा ध्यान से देखो कि क्वेश्चन में ऐसा नया क्या है। देखो, राजू एंड श्याम हु आर पार्टनर्स इन अ फर्म डिसाइडेड टू एडमिट बाबू राव को पार्टनर बनाने का सोचा उन्होंने, गिविंग हिम द गारंटी ऑफ अ मिनिमम ऑफ 25,000 रुपीज। तो राजू और श्याम ने क्या बोला कि 25,000 रुपये देगा, ठीक है, कितने देगा, 25,000 रुपीज बाबू राव को मिलेंगे ही मिलेंगे, कुछ मर्जी हो जाए, ठीक है। Loss for the year ended 31st March 2020 was rupees 90,000 during the year. An agreed profit sharing ratio कितना है, 2:3:1। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनो, ठीक है, गारंटी इन केस ऑफ लॉस। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि प्रॉफिट थे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने थे, डेफिशिएंसी को शेयर करना था, वो सब चीज़ें। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई आपने एक पार्टनर को गारंटी दी है, बाबू राव को 25,000 रुपीज की गारंटी मिली है ना, हाँ बिल्कुल मिली है, लेकिन जब उन्होंने बिजनेस किया पूरे साल, बिजनेस में क्या हो गया, लॉस हो गया है, तो अब क्या होगा, क्या बाबू राव को गारंटी मिलेगी? 100% गारंटी हर केस में पूरी होगी। बाबू राव को तो 25,000 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे, फर्म में जितना मर्जी लॉस क्यों ना हो जाए। कौन देगा, राजू श्याम, गारंटी किसने दी है, दोनों पार्टनर्स ने। तो भाई जो भी हो, अपनी जेब से पैसे निकाल कर दो, लेकिन देने ही पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, ध्यान से मेरी बात सुनो। आपको बनाना है PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बना लो फटाफट से। देखो, ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनो, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपको लॉस हुआ है, पार्टनरशिप आपको लॉस हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप पहले तो नॉर्मली जो भी प्रॉफिट है या लॉस है उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो, एज पर दी एग्रीमेंट 2:3:1 जो इनकी रेशियो है, आप इसमें लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करो, बाद में देखेंगे कि कितनी डेफिशिएंसी आ रही है। तो आपको लॉस लिखना है पहले तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस कहाँ लिखते हो, डेबिट साइड पे, प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड पे, लॉस है तो डेबिट साइड पे। आपने लिख दिया कितना, 90,000 रुपीज़ का, और इस लॉस को आप आराम से शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू, ठीक है, आपने ट्रांसफर किया किसको राजू को, अच्छा ठीक है, शाम को, अच्छा चलो ठीक है, और बाबू राव को, अच्छा चलो ठीक है। कितना किया वो भी निकाल लेते हैं, मुझे बात बताओ, 90,000 को 2:3:1 में जब आप डिवाइड करोगे 90,000 रुपीज़ को, तो कितना आएगा, ये आएगा 30,000, राजू का आया 30,000, अच्छा ठीक है, और 45,000, ठीक है, और 15,000। अब देखो हुआ क्या, जैसे ही आप बोलोगे कि बाबू राव आपको 15,000 रुपये का नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो बाबू राव क्या बोलेगा, अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो 25,000 रुपये की गारंटी मिली है, हाँ यार ना, 25,000 रुपये मेरी जेब में आने चाहिए, आप तो मेरी जेब से 15,000 रुपये निकाल रहे हो, ये तो नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो देखो, हमने देखा था कि डेफिशिएंसी आप कैसे निकालते हो, आपका डेफिशिएंसी निकालने का तरीका क्या होता है, आप डेफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, गारंटीड कितना था, 25,000 माइनस प्रॉफिट का शेयर, अब प्रॉफिट का शेयर नेगेटिव में है, मतलब नेगेटिव 15,000, हाँ है ना, तो 25,000 माइनस 15, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 40,000 रुपीज। ऑब्वियस ही बात है, अगर आपने बाबू राव की जेब से 15,000 रुपये निकाल रहे हैं, हाँ है ना, तो उसकी जेब में 40,000 डालोगे तभी तो उसके पास 25,000 रुपये होंगे। तो डेफिशिएंसी कितनी आ रही है, डेफिशिएंसी 40,000 आ रही है, और ये डेफिशिएंसी कौन बियर करने वाला है, राजू और श्याम, हाँ है ना। तो आपको एक चीज़ तो पक्का पता है कि बाबू राव को तो पूरे 25 मिलने हैं, तो बाबू राव का लॉस यहाँ पे नहीं आ सकता, क्या मेरी बात समझ में आई, यहाँ पे नहीं आ सकता। आपको कहाँ लिखना है, टू प्रॉफिट, यहाँ आपने लिखा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू बाबू राव, कितना, 25,000 रुपये। तो बाबू राव को जो आपको 25,000 रुपये देने हैं वो तो आप दोगे ही दोगे,
बात समझ रहे हो, बाबू राव को तो 25 मिलने हैं, बिल्कुल मिलने हैं, लेकिन डेफिशिएंसी कितनी आ रही है 40,000 रुपीज़ की। कि भाई 40,000 रुपीज़ की डेफिशिएंसी राजू और शाम को बियर करनी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्लियर है राइट? आपने निकाल लिया कि भाई पहले बाबूराव का लॉस था कितने का, 15 का, लेकिन आपने उसको 40 दिए, तब जाके उसके पास अब कितने हो गए, 25,000। जो 40 दिए हैं वो कौन देगा? राजू और श्याम देंगे, बिल्कुल देंगे। अब देखो ध्यान से कितना देंगे, देखो 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 राजू और श्याम कितना देंगे, देखो ध्यान से एक सेकेंड। हाँ जी देखो, 40,000 किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? राजू और श्याम में। उनकी रेशियो क्या है? 2:3। राजू और श्याम के कितनी है? 2:3। तो अगर आप यहाँ पर लिखना चाहो वर्किंग नोट में कि राजूज शेयर इन डेफिशिएंसी कितना आएगा, 40,000 का 2:3 है, मतलब 2/5। 2/5 कितना आएगा ये, 5, 8 to 16, 16,000। और शाम शेयर, शाम भाई को कितने मिलेंगे, देखो शाम शेयर इन डेफिशिएंसी कितना, 40,000 की डेफिशिएंसी, और इसका 3/5 का शेयर, मतलब 24,000। तो इसका मतलब राजू के जेब से 16,000 निकालो, शाम के जेब से 24,000 रुपये निकालो। मुझे एक बात बताओ ध्यान से, गलती मत करना, देखो 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 मुझे एक बात बताओ, राजू को पहले ही 30,000 का लॉस हो रहा है, हाँ या ना? यस और नो? 30,000 का लॉस हो रहा है, इसको 15-16, इसको 16,000 का लॉस और होने वाला है। 30,000 रुपीज़ का लॉस तो पहले ही हो रहा है, 16,000 का लॉस और होना है। तो गलती से भी 30 में से 16 माइनस मत करना, ये जो 16,000 है उसके लॉस को बढ़ाएगा। तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे, यहाँ पे लॉस को इंक्रीज करोगे, तो लॉस कितने का हो गया, 46,000 का। क्या ये बात समझ में आई है? राइट। और शाम का लॉस कितने का हो गया, 24,000 का और हो गया, तो मतलब 69,000 का। क्या ये बात क्लियर है? कई सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि 30,000 में से 16 लेस करते हैं। नहीं नहीं, लेस करते हो अगर प्रॉफिट होता, 30,000 का लॉस तो पहले से ही है राइट, 16,000 का उसको और लॉस हो रहा है, तो टोटल लॉस कितना हो गया, 46,000। सिमिलरली शाम का लॉस पहले से 45 था और 24 हो गया, 69,000 का लॉस हो गया। टोटल आपको यहाँ पे दिख रहा है 1,15,000। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपने क्या किया फटाफट से एक बार मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो आपका 90,000 का लॉस था, ठीक है, आपने देखा कि लॉस कहाँ ट्रांसफर करना है, कितना कितना करना है। आप चाहो तो इसको वर्किंग नोट में दिखा सकते हो कि बाबूराव का लॉस कितना आ रहा था। बाबूराव का लॉस आ रहा 15,000 का, ठीक है, 25,000 की गारंटी थी, इसका मतलब डेफिशिएंसी कितना हो गई, 40,000 रुपीज़। 40,000 की जो डेफिशिएंसी है वो आप बाकी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्या ये बात क्लियर है? और क्योंकि पहले से ही उनको लॉस है तो डेफिशिएंसी उनके लॉस को और इंक्रीज कर रही है, तो आपने इसलिए डेफिशिएंसी को ऐड कर दिया। क्लियर है? कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन आपकी टीएस ग्रेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। असगर, चमन एंड ढोलू तीन पार्टनर्स हैं, देयर कैपिटल अकाउंट्स स्टूड एट 6 लाख, 5 लाख एंड ₹4 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 April 2017, व्हिच इज ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:2:3, PSR आपको दे रखी है, ठीक है। पार्टनर्स आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% से, अच्छा ठीक है। उसके बाद सैलरी देनी है आपको चमन ढोलू को 7,000 पर मंथ एंड 10,000 पर क्वार्टर, मतलब चमन को 7,000 पर मंथ और ढोलू को 10,000 पर क्वार्टर, कोई दिक्कत नहीं है एज पर द प्रोविजन। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखो, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ढोलूज शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट अ मिनिमम ऑफ ₹1,10,000 पर एनम। अब इस बात का मतलब क्या, जरा ध्यान से समझो, ठीक है। आपको क्या बोला गया, ढोलूज शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग IOC बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट अ मिनिमम ऑफ 1,10,000। अब सुनो सुनो, मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखो अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि भाई जो ढोलू का शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, ढोलू का शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग IOC, उन्होंने क्या बोला कि भाई जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है IOC को ऐड करके नहीं, सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट बट सैलरी को इंक्लूड करने के बाद, मतलब प्रॉफिट का शेयर जो भी आपका आएगा और उसमें सैलरी को ऐड कर दो, टोटल अमाउंट कितना आना चाहिए, 1,10,000। इसको समझते हैं, इसको हम बाद में समझते हैं। पहले आप क्या करो, पहले आप नॉर्मली जैसे PNL अप्रोप्रिएशन बनाते हो ना, आप बिल्कुल वैसे ही बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्ट वैसे ही बनेगा जैसे आप बनाते हो, उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। आप फटाफट से PNL appropriation account का फॉर्मेट बना लो। अब देखो आपको यहाँ पे गिवन है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 4,24,000, तो 4,24,000 आप यहाँ पे लिख लो बाय PNL account
4,24,000 ये आपने लिख लिया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या क्या देना है, आपने पढ़ा था आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो उसको दे दो। पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, जो चीज़ें आपको पता है आप इजीली दे सकते हो तो उसको तो दो। देखो असगर चमन ढोलू ए, उसके बाद सी और डी, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ ये, आपको पूरा लिखना है असगर चमन ढोलू। कैपिटल कितनी दे रखी है, 6,00,000, इसका 8% निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है, तो ये हो गया 48,000। और उसके बाद चमन की कितनी है, 5,00,000, 5,840,000 और 4,32,000, ठीक है। ये आ गया 1,20,000, कितना आ गया 1,20,000, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको सैलरी देनी है, तो यहाँ आपने लिखा टू सैलरी, आपको दो पार्टनर्स को सैलरी देनी थी, जहाँ तक मुझे याद है, देखो फटाफट से किस किस को आपको सैलरी देनी थी। आपको बोला था सैलरी टू चमन 7,000 पर मंथ, तो चमन को जो सैलरी मिलनी है 7,000 पर मंथ है, 12,784,000, ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया ढोलू को जो सैलरी देनी है 10,000 पर क्वार्टर देनी है, ढोलू की 10,000 पर क्वार्टर, एक साल में कितने क्वार्टर, 4 क्वार्टर, 40,000 रुपीज़, ठीक है। ये आपका कितना आ गया 1,24,000। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना भाई, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद आपको क्या करना होता है, इसके बाद आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, बांटो आराम से, बांटो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप करते हो ना बिल्कुल वैसे ही करो, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहले निकालो कि डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 4,24,000 -120 -124,000, ठीक है, 1,80,000 का प्रॉफिट आ रहा है, तो आराम से बांटो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, ठीक है, असगर चमन और ढोलू, आपको 1,80,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है, करो आराम से करो। क्या रेशियो है आपकी रेशियो दे रखी है 4:2:3, ठीक है। आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया 80,000, असगर कितनी है 80,000, ठीक है। उसके बाद इसकी आ जाएगी 40 और इसकी आ जाएगी 60, कितनी आ जाएगी 60, हो गया, हाँ जी ठीक है। अब ध्यान से आओ कि अब क्वेश्चन में आपको गिवन क्या था, अभी तक कुछ नया किया क्या, नहीं, अभी तक तो सेम किया ना आपने, जो प्रॉफिट था आईओसी दिया, सैलरी दिया, प्रॉफिट को बांट दिया, सब सेम है। अब ध्यान से आते हैं कि वो लिखा क्या था। देखो आपको बोला गया ढोलूज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ढोलू का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है, ढोलू का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 60,000, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग आईओसी, उसमें आईओसी इंक्लूड नहीं करना, मतलब आईओसी को ऐड नहीं करना है उसमें, मतलब सिर्फ प्रॉफिट, अच्छा ठीक है। उसके बाद है बट इंक्लूडिंग सैलरी। अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ढोलूज शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग सैलरी, मतलब उसको टोटल पैसा कितना मिल रहा है प्रॉफिट का और सैलरी का, इंक्लूडिंग सैलरी। अब देखो आप क्या बोलोगे, प्रॉफिट कितना है 60,000 और ढोलू की सैलरी कितनी है, ढोलू की सैलरी 40,000, कितनी है 40,000, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 1,00,000 रुपीज़, कितना आ रहा है 1,00,000 रुपीज़। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, आपको क्वेश्चन में गिवन क्या, आपको गिवन है ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब 60,000, उसमें आपको आईओसी ऐड नहीं करना, नहीं कर रहे, इंक्लूडिंग सैलरी, तो उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है प्लस उसकी जो सैलरी है दोनों मिलाकर 1,10,000 रुपये होने चाहिए, 1,10,000 रुपीज़ होने चाहिए। हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि 1,00,000 हो रहे हैं, ये सुनो, तो जो डेफिशिएंसी आ रही है, जो आपकी डेफिशिएंसी आ रही है वो कितनी आ रही है 10,000 रुपीज़, कितनी है निकाली आपने 10,000 रुपीज़ की, भाई गारंटी मिली है 1,10,000 की, लेकिन अमाउंट कितना है 1,00,000, शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग सैलरी, प्रॉफिट का शेयर प्लस सैलरी शुड बी इक्वल टू 1,10,000, बट इट इज रुपीज़ 1,00,000, तो डेफिशिएंसी कितनी आ गई 10,000 रुपये। क्या मेरी बात समझ में आई, डेफिशिएंसी पर समझ में आ गई। आपको क्या बोला गया है, एनी डेफिशिएंसी अराइविंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय असगर, असगर ने पर्सनली गारंटी दी है, तो आप क्या करोगे, असगर के अकाउंट में से माइनस करोगे 10,000, यस नो, और ढोलू के अकाउंट में 10,000 ऐड कर दोगे, बोलो हाँ। जब ढोलू को 70,000 मिल जाएंगे तो उसकी गारंटी पूरी हो जाएगी, 70,000 प्लस उसकी सैलरी कितनी है 40, दोनों को मिला के 1,10,000 हो रहा है, उतनी ही गारंटी उसको मिली है। चमन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद असगर को बहुत फर्क पड़ रहा है, उसको लॉस हो गया 70,000 का उसका शेयर आ गया, बस 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 यही था क्वेश्चन में। तो इंक्लूडिंग सैलरी एक्सक्लूडिंग सैलरी, आई होप इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, यस और नो, क्लियर है, फटाफट से बोलो क्लियर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन और भी आपके बुक में हो सकते हैं, उनको ट्राई करना, नहीं समझ में आएगा तो मैं तो बैठा ही हूँ।
कमेंट करो, टेलीग्राम में मैसेज करो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, राइट? फटाफट से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आपके बुक का, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? और क्यों बहुत स्पेशल है देखो, ध्यान से देखो। थ्री चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्स वाई एंड जी, ठीक है, फॉर्म अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1 सब्जेक्ट टू द फॉलोड कंडीशन, ठीक है? पहली कंडीशन क्या है कि जीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड टू बी नॉट लेस देन 30,000 पर एनम। तो जी को गारंटी मिली है, अच्छा ठीक है। अब देखो सेकंड पॉइंट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो कि क्यों यहाँ पे है वाई गिव्स अ गारंटी। क्या लिखा हुआ है? वाई गिव्स अ गारंटी, वाई ने गारंटी दी है, अच्छा ठीक है। वाई गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट द ग्रॉस फी अर्नड बाय हिम फॉर द फर्म shall not be less than the average gross fee earned by him during the preceding 5 years when he was carrying out the profession alone, the average of which works out at ₹50,000। पहली बात तो इसका जरा मतलब समझते हैं कि क्या बोल गया भाई ये, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आपको क्या बोला गया कि पहली बात तो यहाँ पे पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है। अभी तक आपने क्या पढ़ा कि फर्म गारंटी देती है, पार्टनर्स गारंटी देते हैं एक दूसरे को, लेकिन यहाँ क्या है कि पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है दैट द ग्रॉस फीस, मतलब जो भी वो रेवेन्यू जनरेट करेगा अर्नड बाय हिम वो करेगा फर्म के लिए, फॉर द फर्म शैल नॉट बी लेस देन, कम से कम कितना होगा एवरेज ग्रॉस फी अर्नड बाय हिम ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। उसने क्या बोला कि भाई पिछले 5 सालों में जितनी भी मैंने फीस अर्न करी है उसका जो भी एवरेज आ रहा है कम से कम उतनी फीस इस साल भी मैं फर्म के लिए अर्न करूंगा। आपको क्या बोला गया एवरेज कितना है? 50,000 रुपये। तो इन शॉर्ट वाई ने क्या बोला फर्म को कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि मैं इस साल कम से कम 50,000 रुपीज की ग्रॉस फी अर्न करके दिखाऊंगा, रेवेन्यू अर्न करके दिखाऊंगा, अच्छा ठीक है। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द पार्टनरशिप इज 1,50,000, जो प्रॉफिट हुआ 1,50,000 एंड द ग्रॉस फीस अर्न बाय वाई इज 32,000। तो यहाँ पे दो गारंटी है, एक गारंटी जो जी को मिली है, जी को मिली है कि उसका प्रॉफिट कम से कम 30,000 होगा, दूसरी गारंटी थी कि जो आपने दी थी, किसने? वाई ने दी थी फर्म को कि 50,000 रुपये मैं कमा कर आऊंगा, लेकिन उसने कितने अर्न करे हैं? 32,000। तो यहाँ पे दिक्कत हो गई। आपको क्या क्रिएट करना है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। फटाफट से पहले बना लो फॉर्मेट। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो आप क्या देखते हो कि जो प्रॉफिट पार्टनरशिप ने अर्न किया कितना किया? 1,50,000। तो आपने यहाँ पे लिखा बाय पीएनएल अकाउंट कितना? 1,50,000, अच्छा ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अगर मैं वाई की बात करता हूँ, वाई की जो वाई ने गारंटी दी है उसकी बात करते हैं कि वाई ने फर्म को क्या कहा था, वाई ने फर्म को कहा था कि मैं आपके लिए 50,000 रुपये अर्न करके आऊंगा, कम से कम गारंटी दे रहा हूँ। कितने अर्न करे हैं? 32,000। कितने करे हैं? 32। मुझे बताओ इसका मतलब वाई ने 18,000 रुपये कम अर्न करे हैं, है ना? वाई ने गारंटी दी थी किसको? फर्म को, कि 50,000 रुपये अर्न करके आऊंगा, लेकिन उसने कितने अर्न करे? 32। इसका मतलब वाई को पार्टनरशिप फर्म को 18,000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ आपने लिखा वाई डेफिशिएंसी, वाई की जो डेफिशिएंसी आ रही है, वाई ने जो डेफिशिएंसी करी है वो देखो, गारंटीड अमाउंट कितना था? ₹50,000, लेकिन अर्न कितना किया? 32,000। कितना अर्न किया? 32। इसका मतलब जो 18,000 रुपीज की आपकी डेफिशिएंसी आ रही है, 18,000 रुपये की डेफिशिएंसी आ रही है, वो क्या है? वाई ने देने हैं किसको? फर्म को। वाई फर्म को देगा 18,000 रुपये, हाँ या ना? तो मुझे बताओ पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है या नहीं है, पार्टनरशिप फर्म के लिए प्रॉफिट है या नहीं है? कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड पे। भाई पार्टनरशिप फर्म का तो प्रॉफिट ऐड ही हो रहा है, राइट? तो आप यहाँ लिखोगे बाय वाई कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वाई दे रहा है कितने? 18,000 रुपये। क्या मेरी बात समझ में आई? अब देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो सकती है, अगर आप देखोगे ध्यान से मेरी बात सुनो, वाई पैसे दे रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। कैपिटल अकाउंट का क्या रूल होता है कि कैपिटल अकाउंट कम होगा तो डेबिट, बढ़ेगा तो क्रेडिट। वाई का कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है क्योंकि वाई के कैपिटल अकाउंट से पैसे जा रहे हैं किसके पास? फर्म के पास। तो वाई का कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे। वाई को जब पैसे मिलते हैं तो क्रेडिट, देते हैं तो डेबिट। तो वाई ने डेबिट किया अपने अकाउंट को 18,000 से, और किसको दिया? फर्म को, मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 18,000। क्या ये बात समझ में आई? इसलिए आपने क्या लिखा बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, ये बात क्लियर है। अब पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट कितना हो गया? 168। कितना हो गया? 1,68,000। इतनी बात क्लियर है? कितना प्रॉफिट हो चुका है? 1,68,000। अब ये 1,68,000 है पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट जो है
पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, क्योंकि अब 150 नहीं है, 168 प्रॉफिट है, ये आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स वाई और जी. याद रखना अभी जी को गारंटी मिली है. अच्छा ठीक है, आपने क्या किया 168 डिवाइड करा, रेशियो है 3:2:1 की, ठीक है 168 को आपने जब डिवाइड करा तो ये आया 84,000, राइट 84,000, ये आया 56,000, अच्छा ठीक है, और ये आया 28,000. कितना 28,000. अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो, किसको गारंटी मिली थी, जी को. जी को गारंटी मिली थी कि भाई 30,000 रुपीज़ देखो कम से कम मिलेंगे, हाँ है ना, मिले क्या, देखो मिले क्या, नहीं 2,000 कम है, तो इसमें तो 2,000 ऐड हो जाएंगे, बोलो हाँ इसमें तो 2000 ऐड होंगे. क्या लिखा है, किसने गारंटी दी है, पूरे क्वेश्चन में कहीं लिखा है क्या कि जी को गारंटी किसने दी है, नहीं. इसका मतलब बाकी दोनों पार्टनर्स देंगे, बाकी जो एक्स और वाई है वो देंगे अपनी रेशियो में 3:2 में. ये तो हम पहले भी कर चुके हैं कि भाई जितनी भी डेफिशिएंसी आ रही है, अगर मेंशन नहीं किया कि कौन दे रहा है, गारंटी कौन दे रहा है, तो मतलब जितने भी बाकी पार्टनर्स हैं अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे रहे हैं, बिल्कुल सही. तो ये 2000 रुपीज़ 3:2 में देंगे, तो मतलब एक्स को कितने देने पड़ेंगे, अगर आप देखोगे एक्स को देने पड़ेंगे 1200, कितने 1200, और वाई को कितने देने पड़ेंगे 800. वाई का तो बहुत नुकसान हो गया भाई, ठीक है 84,000 माइनस 1200 82,800, 82,800, 56,000 माइनस 800 55,200, और जो जी को गारंटी मिली थी 30,000 की वो तो उसको मिल ही जाएगी, और ये आपका क्वेश्चन हो गया समाप्त. क्या आपको समझ में आया क्वेश्चन अच्छा क्यों था? क्वेश्चन अच्छा इसलिए था क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या था, पहले तो एक पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा था. पार्टनर अगर फर्म को गारंटी दे रहा है तो पहले तो हम उस गारंटी को ट्रीट करते हैं, ठीक है, कि भाई जो फर्म को गारंटी मिली है पहले उसको देखो. गारंटी दी थी, डेफिशिएंसी आ गई आपकी 18,000 की, तो वाई ने फर्म को 18,000 दिए जो आपने पीएनएल एप्लीकेशन में कर दिए क्रेडिट. अब ये प्रॉफिट कितना हो गया 168 आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें. जी को मिली थी गारंटी, अगर वो देखो गारंटी पूरी हो रही है या नहीं हो रही, नहीं हो रही तो बाकी पार्टनर्स क्या करेंगे, डेफिशिएंसी को शेयर करेंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. क्या ये बात समझ में आई है? ओके, सो आज हमने तीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, तीनों ही अलग क्वेश्चन से. पहला लॉस दे रखा था कि भाई गारंटी इन केस ऑफ लॉस उसमें क्या होगा समझा. दूसरा गारंटी की कंडीशन दे रखी थी, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्सक्लूडिंग सैलरी, वो सब चीज़ें उसको समझा. और तीसरा कि अगर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को गारंटी देता है तो उस केस में क्या होता है, आप ही के बुक के क्वेश्चंस थे, ठीक है. तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया. एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैंने आपको नहीं कराया, और आप ये बात जानते हो. अराउंड 20 वीडियोस, आई थिंक 20 के आसपास वीडियोस होंगी, अराउंड ऑन एन एवरेज आधे घंटे की वीडियो. सो 9 to 10 आवर्स में मैंने आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया. आप 1.25 पे देखते हो तो और भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा. बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, ठीक है. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है. ऐसे ही आपको सारे चैप्टर्स की वीडियोस मिलती रहेगी. पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, टेंशन मत लो. कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप ज्वाइन कर सकते हो. लेकिन वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, दोस्तों के साथ पूरी प्लेलिस्ट शेयर करो सो दैट उनकी भी हेल्प हो जाए. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.